सर यस ओके एनीवन विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन कैन यू डिफाइन क्लोजर प्रॉपर्टी गिव वन और टू एग्जांपल रिलेटेड टू क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट होल नंबर्स यस सर मे सर आई सर सर कहना है सर प्लीज मे आई बेटा यू शुड राइट योर यू शुड कॉल योर नेम ओके सर मौलिक सर मैं दिव्यांश ओके दिव्यांश एक्सप्लेन क्लोजर प्रॉपर्टी सर मेरे क्लोजर प्रॉपर्टी होता है विद द सर हेल्प यानी ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। आप एनोटेशन यूज करो व्हाइट बोर्ड है आपके पास। यस सर हाँ सर जैसे कि अपन अभी होल नंबर में ले लेते सर क्लोजर प्रॉपर्टी से सर पहले ये बोलता है कि कोई भी दो नंबर जैसे 8 सर यूज नहीं हो रहा 8 - 10 इज हाँ इक्वल्स टू -2 सर अगर अपन इन दोनों को चेंज कर देना अपनी अपनी प्लेस से तब भी आंसर सेम रहना चाहिए जैसे P - Q और हाँ Q - P लेकिन आंसर सेम रहना चाहिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है बेटा। ये सर शायद वही है नो सर क्लोजर नहीं है प्रॉपर्टी ये ये नहीं नहीं सर मैं है। बताऊं सर मौलिक यस मौलिक यस सर मैं बता सर दिव्यांश सर बताता हूँ सर क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि जैसे एडिशन को बता रहा हूँ होल नंबर में यस सर होल नंबर ओके सो होल यस नंबर सर मीन्स दिस वन इज 0, 1, 2, 3, 4 4 5 एंड सो एक्सेट्रा यस सर एक्सेट्रा। नाउ दिस वन इज नेचुरल नंबर दिस वन इज यस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सर नेचुरल नंबर डिड नॉट इंक्लूड 0 थ्री फोर फाइव एंड गोइंग सो ऑन। तो नाउ ऑन दिस वन इज इंटीजर दिस वन इज इंटीजर माइनस इंटीजर वन मीन माइनस टू माइनस सर थ्री माइनस टू माइनस माइनस वन 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 जीरो टू जीरो वन टू थ्री एंड सो गोइंग ऑन सो ऑन। थ्री डॉट व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स मीन्स कंटिन्यू सो ऑन यस सर कंटिन्यू एंड इनफिनिट गोइंग सो ऑन। नाउ एंड दिस वन इज फ्रैक्शन दिस वन इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यस सर रैशनल नंबर सब नंबर पी बाय क्यू टू टू बाय थ्री थ्री बाय थ्री थ्री बाय बाय टू फोर हाँ फोर बाय फोर बाय फाइव टू यस सर माइनस सो ऑन माइनस माइनस टू बाय वन एटसेट्रा एटसेट्रा। यस सर नाउ फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रूव रिगार्डिंग होल नंबर ओके एंड यस सर हाउ मेनी टाइप्स यस ऑफ ऑपरेशन। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। फोर ऑपरेशन मींस ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस वन इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन फोर्थ फोर्थ वन इज डिवीजन वन इज डिवीजन। ओके यस सर सो फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग एडिशन। ओके आपके पास होल नंबर का कॉलम है बॉक्स है आप उसमें एडिशन का ऑपरेशन करो और बताओ कि वह क्या वह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है होल नंबर में। यस सर सर बताता हूँ यस सर क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैंने 6 + 0 किया अब हाँ 6 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है तो यस अगर आंसर भी अगर होल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वेरी गुड इट मींस फॉर एडिशन क्लोज इट होल नंबर विल क्लोज्ड क्लोजर फॉर प्रॉपर्टी और होल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन यस होल सर नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन कम टू द नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। फॉर होल यस सर नंबर यू हैव टू एक्सप्लेन सब्ट्रैक्शन। ओके यस सर मैं सर करूँ इफ सर इफ यस आई टेक एट एनी टू होल नंबर। ओके यू शुड टेक एनी यस टू होल सर नंबर। 2 होल नंबर -13 यस सर सो आंसर विल बी -5 इट इज नॉट अ होल नंबर -5 इज अ इंटीजर सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन ओके यस दिव्यांश एनी डाउट दिव्यांश। नो सर वो सर भूल गया था मैं कम्यूटेटिव बता दिया गलती से
ओके नेक्स्ट देखो बेटा, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन में क्या कंक्लूजन निकला? होल नंबर्स आर क्लोज और नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? नॉट क्लोज्ड। वेरी गुड, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ओके यस सर, सो एक्सप्लेन इट इज क्लोज। सर मैं दो एग्जांपल। ओके नेक्स्ट सर कैन आई दिव्यांश, इफ आई टेक वन सर दिव्यांश अभी बेटा एक्सप्लेन कौन कर रहा था? दिव्यांश सर मैं कर रहा था मालिक। ओके दिव्यांश एक्सप्लेन करो। मैं करूं दिव्यांश के बाद ये सीधा एक्सप्लेन करना। दिव्यांश के बाद ये सीधा। ओके दिव्यांश मल्टीप्लिकेशन बताओ ना। यस मल्टीप्लिकेशन सर देखो जैसे कि अपन मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर में 3 लिए और 5 लिए, दोनों होल नंबर और 3 into 5 सर 3 into 5 कर दो 15 आएगा सर आंसर। दिव्यांश यूज योर होल नंबर, यूज एनोटेशन। एनोटेशन यस। ओके सर, सर इसको क्लियर कर दो ना। नहीं बेटा क्लियर नहीं होगा, आप फॉन्ट कलर चेंज करो, ब्लैक के जगह कुछ और लो, सॉरी रेड के जगह कुछ और लो। सर ब्लैक ले लूं? वेरी लार्ज। दिव्यांश विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन यू शुड एक्सप्लेन मल्टीप्लीकेशन। ओके ओके सर यस 3 5 ओके इनटू 5 15 सर। ओके सो 3 इज अ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर एंड योर रिजल्ट 15 इट इज आल्सो अ होल नंबर। वेरी गुड सर, इट इज क्लोज्ड। Okay, so it means whole numbers are closed under multiplication. It is true or false? True. Whole, suppose that I am going to ask the question is whole numbers are closed under multiplication. So it is true, true. Or false? True. Yes. True. It is true. Okay, erase the bias. Next chance is Yasita. Yasita, yes, explain division, okay, for whole numbers. Yes, sir. It means multiplication. So, whole numbers are closed under multiplication. Okay, now division. Yasita, explain. Yes, sir. Division. Sir, can I type below the space? Yes, annotation is given. Like 5. Sir, is it visible? Oh, not, wait a minute. Not visible. Sorry, I didn't choose. 5 upon, let's suppose 1 into, yes. Sorry. Division. You have to explain sorry, division. Sir, I'm unable to write. Okay, now explain. I am going to write. Okay, now explain. Yes, sir. Sir, write 5 upon 1. Okay, now this one is 5 upon 1. So, 5 upon divided 1 is, by. So it is also whole number. Now, swap the number. 5 upon 1 means this time 1 upon 5. So, 1 upon 5 is a whole number or is a fraction? Fraction number. It means whole numbers are closed under division. It is true or false? True. Suppose that I am going to write whole numbers. Sir, I was going to explain rational numbers. No? Whole numbers are closed under division. So this one is true or false? False. Sir, in some case it can be false also. Not it can false. Be. It is false. It is whole false. Numbers are not closed under addition. Sorry, division. Why? Because 1 upon 5 is a fraction. It is not under whole number. 1 upon 5 is aapka jo 1 upon 5 aaya hai, kisma kya aapka? Fraction mein aaya hai. Isliye division bhi wo closure property ko follow nahi karega. So what is the conclusion? What is the conclusion for whole number? Suppose that this one is a whole number, okay? Now, and there are 4 types of mathematical, and now property name is closure property. Closure property. So, how many types of mathematical operation?
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके सो फर्स्ट वन इज एडिशन. This one is first, second, third, and fourth. So first one is addition. Okay, addition. This one is subtraction. This one is multiplication. Multiplication and this one is division. So whole numbers are close under addition. It is yes, sir. C. Sir, you can write C. Sir, I will close. Okay. Sir, Divyansh voice is coming like robot. Yes, sir. Divyansh, mute yourself, okay? Now, close. Now for subtraction, it is closed or not closed? Not closed. Not closed. Okay, multiplication for multiplication. Closed. Closed. Division not closed. Not closed. Not closed. Very good. Okay, so closure property is clear for all? Yes, sir. Yes. Tithi, switch on your camera. All students, switch on your camera. Deep, Yasita. Vedant, Tithi, okay, now good. So, can you explain commutative property? Anyone? Sir, incommutative property. Open your notes copy and try to explain what is commutative property. Okay. Can I explain? Chetana. Sir, again, Divyansh voice is coming like robot. Chetana, can you explain yes, commutative sir. Property? Yes, sir. Yes, sir. Wait. Okay, what is commutative property? Commutative property. Sir, when we swap any number and we do some subtract and the answer is same, that will come under commutative property. So give one example. Use annotation yes. And give one example, okay? Sir, you write, I will tell you. Sir, yes. Can I give example? 1 minute. Divyansh. Yes. Your name, okay? Sir, Rishabh. Rishabh, okay, explain. Rishabh, give one example of commutative property. Yes. Ten. Very good. So it means what is the key for commutative property? Change in order, okay? Change in order of number. Order of number. Or swap the number. Or swap the numbers. Number. For example, okay, Rishabh, explain 10 into 3 means what? Sir, both answer is 30. Good. It means. Suppose it means this is commutative property. Yeah, so after changing the order of the number, if results is same, is called commutative. That follow commutative property. Suppose that I am going to write, and now you have to explain all four operations. All four means addition, subtraction. Now write. This one is for
this one is for addition. Okay, explain addition. Now next one is for subtraction. Give one example for subtraction. Now again you have to write next example for multiplication, and last one is for division. Okay, your number is whole number. Suppose that whole number, and you have to check whether the whole numbers will follow commutative property for addition, subtraction, multiplication, or division. Okay, na. First, reserve. No, reserve. This one is addition. Okay, this one is addition. Okay, explain one example. Give one example for addition. This one sir, is. Okay, na. What is your name? Yes, sir. Yashita. Okay, Yashita, wait. First, Rishabh will explain, and after that, you okay? Okay. This one is subtraction. Sir, of addition. Yes, Rishabh, explain addition for whole number. Okay. 5 plus. Answer. Sir, okay. Both answer is same. 15, very good. 15. Very good, Risa. Risa means 5 plus 10. This equals 15. Now I am going to swap the number or change the order of the number. It means 10 plus 5. This will also equal to 15. It means whole numbers will follow commutative property for addition. So addition में आप क्या लिखोगे, ये फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन. ओके यशिता, गिव वन एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन. यस सर, 3 minus 1 इज इक्वल्स टू 2. ओके सर, बट 1 minus 3 is not equal to 2. 1 minus 3 equals to -2. Equal to -2. Okay, so you should write that 2 is not equal to -2. That's why subtraction will not follow commutative property. Okay, 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. Okay, so Tani is speaking. 4 into 2. Okay, Harsh Lunia, can you explain third example related to multiplication? Sir, मैं try कर सकता हूँ. Okay, but आप try करो, जहाँ दिक्कत होगा आप पूछना. Okay. Okay, sir. So 2 into 1. Okay, now ये लो, मैं आपके बदले लिख रहा हूँ 2 into 1. This equals 2. Now swap the number. Yes, sir. Okay. Swap the number means one आपका last है, one कहाँ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा. 1 into 2. Now this one is 2. So 1 into 2, this equals 2. Is equal okay, to 2. Now after changing the order of the numbers, results are same or different? No, so same. Results are same. It means whole numbers will follow commutative property for multiplication. It is true or false? True, sir. So you should write here follow means multiplication mein aapka whole numbers will follow commutative property for multiplication. Now next example is division. So anyone would like to explain? May I Divyansh? Okay, Divyansh, give one example for division. Sir, my voice is clear or not? Yes, your voice is clear. सर डिवीजन के लिए सर 5 divided by wait I am going to write. Okay, now explain. सर मैं कर लेता हूँ annotate. Okay सर, एक मिनट, मैं पेन ले रहा हूँ. यस सर, सर 10 divided by 5. सर तो इसका आंसर आ जाएगा सर 2. ओके सर, लेकिन अगर अपन 5 divided by 10 करेंगे सर, अपन इसका आंसर आएगा
0.5. So it means follow नहीं करते हैं. Okay, suppose that you are going to write 10 divided by 2, this equals 5. Now, after changing the order of the number, it will become 2 divided by 10, so this equals 0.2. So, it is clear that 5 is not equal to 1 upon 5. It means it will not follow commutative property. So, what is the conclusion for division? Whole numbers will not follow commutative property under for division. For yes sir, division. Now next one is whole number. So now next example related to rational number. Next example is related to rational number. Okay, so be ready. I am going to ask anyone. So your number is rational number. This one is rational number. Yes, sir. Rational number, and there are four types of operation. First one is addition. This one is for addition, and this one is for subtraction. Okay, now next is multiplication. Okay, and last one is division. Last one is division. This one is for subtraction. And this one is for multiplication. And last one is for division. Okay, so first, Adi Jain, would you like to explain addition for rational number and property? You have to use commutative property. No, sir. Why, Adi? Any problem, Adi Jain? Okay, next, Arav. Arav. Arav, yes, you... So, would you like to explain addition? Yes, sir. Would you like to explain addition for rational number? For commutative property? Don't hesitate. I will help you, okay? So, try to explain. Arav. Unmute yourself, Arav. Arav, reply karo nahi to class se remove ho jaoge. Okay, I am going to remove you, Arav. Now, next, Jia, explain addition, okay, Jia? Yes, sir. Explain addition for rational number. Okay. Sir, last 5 minutes are left. Very good, Jia. 2 by 5 plus 3 by 5.
Very good. So your result is 5/5. Sir, she is not saying anything. Yes, good. Very good, Jia. So first number is 2/5 plus 3/5 will equal to 5/5. Now, after changing the order of the number, 3/5 plus 2/5 will also equal to 5/5. It means results are same. So rational number will follow commutative property for addition. Okay, so you should write here. Follow. Sir, shall I tell subtraction? Okay, subtraction. Next one is sublunia. Okay, so yes, sir. Yes, explain to subtraction. Ko. Sir, 4/5. Wait. 4/5, yes. Minus 4/5 minus 3/5. Okay, 3/5. So this is a like fraction. So 4 minus 3 = 1. So it is a 1/5. Now, since the order of the number. So 3/5. Very good. This one is 3/5 minus. Minus 4/5. Okay, so this one is 3 equal to 3. Okay, minus 1/5. Okay, so tell me, whether 1/5 is equal to or not equal to minus 1/5. Sir, not equal to. Not equal to. It means rational number will not follow commutative property for subtraction. It means it is not follow. It is not follow. Not follow. Okay, next one is multiplication. So anyone? Chetna. Sir, main bataun. Can I? Yes, sir. Okay, Chetna, explain multiplication. Yes, sir. Sir, you write it. I'm telling you. Yes. Okay. So 3/5. Wait. 3/5. Yes. Multiply by 4/6. Multiplied by 4/6. So this equals 12/3. Upon 5/6 = 30. Now change the order of the number. Yes. 4/6 multiplied by 3/5. Very good. 4/6 multiplied by 3/5. So this will also 4 3 = 12 and 6 5 = 30. So Chetna, tell me whether 12/30 and also it is 12/30. Results are same or different? The same. It means it so follows. What is the conclusion? If results follows. Are same, yes, follow. So rational number will follow commutative property for multiplication. So it is a F means follow. Now next one is next. Sir, may I please? Divyansh, explain division. Explain bhi karte jao. सर एक मिनट ना वापस से लिख रहा हूँ सर इसका आंसर हो जाएगा सर ये इंटू में हो जाएगा तो 10/21 सर मैं इनटू में कर देना इसको सर मैं इसको रेसिप्रोकल करके इनटू में कर दिया शो नहीं किया वो हां वेरी गुड ये आपका होगा 20 नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर यस सर इट मींस इट इज 2/7 डिवाइडेड बाय 3/5 सर इसने गलत एग्जांपल लिया है एग्जांपल गलत कैसे बेटा वो तो रैशनल नंबर कोई भी ले सकता है रैशनल नंबर इसमें कोई
भी दे सकते हैं नॉट फॉलो करने के लिए उसने एक था ना बोले जीरो बाय लिखना नीचे ऊपर जीरो आना चाहिए सेकंड वाले नंबर में हाँ तो आप जीरो को भी ले लो आप एक बार और ऐसा आप जरूरी नहीं है बोल देते नहीं आप बस ऐसा नंबर होना चाहिए जो नॉट फॉलो बताए नहीं ऐसा नहीं आप हर नंबर को चेक कर लो ना जैसे मान लो ये नॉट फॉलो ही तो है अभी जो एग्जांपल दे रहा था ओके ओके फर्स्ट सपोज दैट तो एग्जांपल है ओके सपोज दैट आई एम गोइंग टू राइट 0 अपॉन 5 सो इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट यस सर नाउ 0 इज उसमें 0 होना चाहिए इट इज डिवाइडेड बाय मान लो इट इज डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 0 सर इट इज नॉट अ नहीं है 2 upon 3 now let me write okay so 0 upon 5 equal to 0 so 0 upon 5 multiplied by 3 upon 2 so this will equal 0 multiplied by upon 10 it means 0 upon 10 sir means 0 now sir, let's 0 upon 10 hoga na apne ko aisa number lena jisme 5 bit hai na so yes sir 5 into 2 10 hoga 5 into yes, sir. 10 डिफरेंस लुक हियर सपोज दैट आई एम गोइंग टू राइट So what is now 5 upon 0? It is a rational number or not? No, it, sir. It is not a rational number. Not a rational We can't take it. Number. But when I am going to write 0 upon 5, so this one is... Sir, it is a rational number. So this one is a P upon Q and Q yes. is not equal to 0. So 0 upon 5, it is a rational number. It is a rational number. He was saying the denominator should be zero. Okay. So rational number means what? Rational number means it is a ratio of two integers where denominators are not equal to zero. Rational number आप लोगों को याद है या नहीं? Sir, sir याद है. तो rational number का क्या होगा definition बताओ? Sir, p divided by q, q never equals zero. Where q is equal is not equal to look this one is rational number it is not denominator rational number is a ratio of two integers and that zero is not denominator integers where denominator will not equal zero will not equal to zero. It means two integers means what? Suppose that this one is an integer. This one is a integer. So 0, 1, 2, 3. And also this one is minus 1, minus 2, and minus 3. Now this number line mein koi bhi number aap le sakte ho. Jaise main le liya, aapko 0 upon 2. तो ये आपका क्या होगा ये आपका एक डिनोमेटर है ना ये डिनोमेटर है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट्स व्हाई 0 अपॉन 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर इज इट क्लियर फॉर ऑल यस सर क्लियर एनी डाउट नो सर गुड नाउ टर्न ऑन योर कैमरा देखो बेटा अभी आपके पास नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन शेयर हो रहा है बताओ इट इज विजिबल फॉर ऑल यस सर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ओके इन नेक्स्ट क्लास इसमें आपके सारे प्रॉपर्टी यूज हुए हैं फर्स्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सो इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे कोई आइडिया है बताओ This one is minus 2 upon 3. Sir, rational numbers wali. Rational number to use hoga hi dono mein. Dekho, abhi aapka number same kya hai aapka? Aapka kaun sa number? Sir. Dekho, ye aapka 3 by 5. Sir, isostatic property shayad.
थ्री बाय फाइव और थ्री बाय फाइव का स्क्वायर है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट आप उसको सिंगल ले सकते हो। आप थ्री बाय फाइव अगर सिंगल ले लो तो ये आपका क्या आएगा, माइनस टू बाय थ्री, माइनस टू बाय थ्री, रिमूविंग अ कॉमन फैक्टर, माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स। ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बाय सर, बाय बाय सर, बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय सर।